नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड इंडियन कॉन्ग्लोमरेट डालमिया ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो सीमेंट बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए डालमिया ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी डालमिया सीमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका एक न्यू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जिसको झारखंड स्टेट में सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए उन्होंने झारखंड गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों, जो डालमिया सीमेंट है वो हमारे देश की जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है। एंड इनका जो सीमेंट बिजनेस है वो काफी तेजी से भी ग्रो हो रहा है। इसी के चलते इनकी तरफ से डिसीजन लिया गया है कि वो इंडिया में उनका एक न्यू सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जिसको झारखंड के बोकारो स्टील सिटी की जो बालीडी लोकेशन है, जो कि स्पेसिफिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, वहां पर सेटअप किया जाएगा। एंड इनका जो सीमेंट प्लांट होगा ये अराउंड 16 एकर्स के एरिया में फैला होगा, जिसको सेटअप करने के लिए इनकी तरफ से 577 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड जो प्लांट होगा इसकी कैपेसिटी 2 मिलियन टन पर एनम की होगी, जिसको अगले एक साल के अंदर अंदर इनके द्वारा कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों वडोदरा सिटी में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने के लिए वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो उनकी सिटी के ईस्टर्न पार्ट्स में एक न्यू फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। एंड इसका जो पूरा प्लान है उसको इनकी तरफ से प्रिपेयर भी कर लिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो वडोदरा है वो गुजरात की एक वेल नोन इंडस्ट्रियल सिटी मानी जाती है। एंड यहां पर जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए गुजरात म्यूनसिपल फाइनेंस बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी यहां पर 2 फ्लाईओवर्स को अप्रूव कर दिया गया था, जिसमें से एक का कंस्ट्रक्शन सरदार ई स्टेट क्रॉसरोड्स पर किया जाने वाला था। एंड उसके लिए 55.39 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे। एंड वहीं जो दूसरा था उसका कंस्ट्रक्शन वृंदावन क्रॉसरोड्स पर किया जाने वाला था, जिसके लिए 56.74 करोड़ रुपीस अप्रूव किए गए थे। एंड दोस्तों, उसमें जो पहला फ्लाईओवर होने वाला था वो वडोदरा के जो अजवा रोड है वहां पर ट्रैफिक को कम करने वाला था। एंड वही जो सेकंड है वो वडोदरा के जो वागोदिया रोड एरिया है वहां पर ट्रैफिक को कम करने वाला था। एंड क्योंकि उसमें दोनों का कंस्ट्रक्शन वडोदरा के ईस्टर्न पार्ट में किया जाने वाला था, तो इसी के चलते जो वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इन दोनों फ्लाईओवर को कंबाइन करके सिर्फ एक ही फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि उनको ये प्लान ज्यादा फिजिबल लग रहा था। एंड इसी के चलते उनकी तरफ से इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 130.9 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड जो ब्रिज होगा फिर फ्लाईओवर होगा ये 1.93 किलोमीटर लंबा होगा, जिसको जल्दी ही जो गुजरात गवर्नमेंट है वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा हमारे देश में सक्सेसफुली Agni-5 मिसाइल को टेस्ट कर लिया गया है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोस्तों, ये जो Agni-5 मिसाइल है इसकी रेंज अराउंड 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर की है, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। एंड DRDO के द्वारा इसकी जो टेस्टिंग है उसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा के कोस्ट में लोकेटेड है, वहां पर लिया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो Agni-5 मिसाइल है इसके 3 ट्रायल पहले भी 2018 में ले लिए गए हैं। एंड 2020 में इसको हमारे जो डिफेंस फोर्सेस एंड डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें इंडक्ट कर दिया जाने वाला था, लेकिन दोस्तों कोविड के चलते ये थोड़ा सा डिले हो गया है। एंड नाउ इसकी जो टेस्टिंग है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। एंड इसी के चलते चाइना की बीजिंग एंड इस तरह की जो और भी सिटीज हैं वो पहली बार इंडिया के लैंड बेस्ड जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी रेंज में आ गई है। तो दोस्तों, यहां पर हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वहां से काफी अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में यूथ हैं उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो महानदी कोल लिमिटेड हैं उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। एंड इसके चलते उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET भुवनेश्वर के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिए है। तो दोस्तों, इन्होंने टोटल 2 MOU साइन किए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 1.38 करोड़ रुपीज की है। एंड इस MOU के अंतर्गत माइनिंग एरियाज के जो पेरिफेरल विलेज हैं वहां पर जो रहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड इसमें से जो पहला MOU है वो उड़ान इनिशिएटिव के लिए साइन किया गया है। एंड वही जो दूसरा है वो सहयोग इनिशिएटिव के लिए साइन किया गया है। एंड ओवरऑल दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसके अंतर्गत टोटल 40 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड जो पूरा का पूरा कोर्स होगा ये 2 साल का होने वाला है, जिसके अंतर्गत फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन इन दोनों ट्रेड्स में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियाज फर्स्ट एंड यूनिक मैंड ओशन मिशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है उनके द्वारा सक्सेसफुली हमारे देश का पहला मैंड ओशन मिशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम समुद्रयान रखा गया है। एंड इसकी जो लॉन्चिंग है उसको चेन्नई से किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उनके द्वारा जो डीप ओशन सोर्सेज हैं उनकी स्टडी के लिए एक डीप ओशन मिशन को प्लान किया गया था, जिसको हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया था। एंड जो समुद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है ये उसी डीप ओशन मिशन का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में स्पेसिफिकली जो रेयर मिनरल्स हैं जो कि डीप ओशन में पाए जाते हैं उनकी स्टडी के लिए समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 3 आदमियों को समुद्र में भेजा जाएगा, जो कि डीप ओशन में 6000 मीटर की डेप्थ तक जो स्टडी है उसको करने वाले हैं।
एंड नाउ दोस्तों एज ऑफ नाउ इस लॉन्च के चलते हमारे देश में मिस्टर 6000 जो कि समर्सिबल व्हीकल होगा उसका काम स्टार्ट कर दिया गया है एंड 2022 के लास्ट क्वार्टर तक हमारे देश में ये डीप ओशन स्टडी है इस पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा एंड एज ऑफ नाउ इस लॉन्च के चलते इंडिया उन डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके द्वारा ऑलरेडी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है जिसमें यूएसए चाइना रशिया फ्रांस जापान ये कंट्रीज शामिल हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज को लेकर जहां पर तो हमारी रेलवेज की चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस जिसको हमारी साउदर्न रेलवेज के द्वारा ऑपरेट किया जाता है इसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया गया है एंड ये सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली ये ट्रेन साउदर्न रेलवे की फर्स्ट ट्रेन बन चुकी है। सो बेसिकली दोस्तों जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन होता है इसको किसी भी ट्रेन को कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर दिया जाता है जिसमें ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है इसको नो डीजल यूज बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स मेंटेनिंग 100% पैसेंजर एमेनिटीज क्लीन एंड हाइजेनिक फूड एनर्जी कंजर्वेशन इस तरह की अदर थिंग्स के बेसिस पर इसको भी दिया गया है एंड ये जो चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस थी ये इन सभी के सभी पैरामीटर्स में क्वालिफाई कर रही थी जिसके चलते इसको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया गया है एंड नाउ दोस्तों ये हमारी साउदर्न रेलवे की फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन बन चुकी है जिसको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया गया है एंड साथ साथ ये हमारी रेलवे की भी फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस है जिसको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया गया है और वैसे ये हमारी इंडियन रेलवे की सेकंड मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको ये सर्टिफिकेशन मिला है क्योंकि इससे पहले हजरत निजामुद्दीन से हबीबगंज के बीच में चलने वाली भोपाल एक्सप्रेस को ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया जा चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री को लेकर जहां पर दोस्तों हमारे देश की टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने एंड साथ साथ में हमारे देश में टूरिस्ट फुटफॉल है उसको भी इंक्रीज करने के लिए हमारी जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से हमारे देश में न्यू टूरिज्म साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिसको उन्होंने उनकी जो आइकॉनिक साइट्स हैं उसकी लिस्ट में शामिल कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके बेटर मेंटेनेंस के लिए एंड साथ साथ में वहां पर डोमेस्टिक एंड जो फॉरेन टूरिस्ट फुटफॉल है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारी जो यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एक आइकॉनिक साइट्स की लिस्ट प्रिपेयर की गई है जहां पर कंटिन्यूसली हमारी जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से न्यू साइट्स को ऐड किया जाता है एंड नाउ इस बार उन्होंने 3 न्यू आइकॉनिक साइट्स को इसमें ऐड किया है जिसमें सबसे पहले कोणार्क सन टेंपल ओडिशा, दूसरा केवड़िया गुजरात एंड अभी जो थर्ड है वो गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना है एंड नाउ इन तीनों को इन आइकॉनिक साइट्स की लिस्ट में शामिल करने के बाद में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि स्पेसिफिकली टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड होगा एंड एज ऑफ नाउ ये भी प्रपोज है और जैसे इसको हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से अप्रूवल मिलती है तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए मनी भी एलोकेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों देखते ही कब तक हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको अप्रूव करती है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश स्टेट में डाटा सेंटर पार्क सेटअप करने के लिए जो कि स्पेसिफिकली अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा सेटअप किया जाने वाला है उसके लिए स्पेसिफिकली जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उनके द्वारा 130 एकड़ ऑफ लैंड को अप्रूव कर दिया गया है एंड नाउ दोस्तों इसी के चलते जो अडानी एंटरप्राइजेस है उनके द्वारा उनके जो डाटा सेंटर पार्क होने वाला है इसको सेटअप करने पर काम स्टार्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली दोस्तों जो डाटा सेंटर पार्क होगा ये काफ़ी बड़ा डाटा सेंटर पार्क होगा जहां पर कई सारे डाटा सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा एंड इसका जो डेवलपमेंट होगा उसको आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जाने वाला है एंड थोड़ा सा आपको दोस्तों डिटेल में बताऊं तो जो डाटा सेंटर पार्क होगा इसको स्पेसिफिकली विशाखापट्टनम के मदुरावाड़ा एरिया में सेटअप किया जाएगा जहां पर अराउंड 200 MV का डाटा सेंटर पार्क, बिजनेस पार्क, स्किल यूनिवर्सिटी, रिक्रिएशन सेंटर इस तरह के थिंग्स को डेवलप किया जाएगा एंड ओवरऑल यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है उनके द्वारा 14,600 करोड़ रुपीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है जिसके चलते आने वाले समय में उनके द्वारा यहाँ पर 25,000 डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करवाई जाएंगी। दोस्तों देखते हैं कि कब तक इनका जो डाटा सेंटर पार्क है ये बनकर तैयार होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।